हेलो। हाँ मम्मी, अरे मैं पहुंच गया हूँ। सच में आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। नहीं, जैसा सोचा था मैंने, उससे भी लाख गुना खूबसूरत है। हाँ मैं पहुंच गया हूँ। पिंक में ही आई है, पिंक में ही आई है, बहुत क्यूट लग रही है। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? देखो ये आवाज़ सुन रहे हो आप, ये आवाज़ उसी की है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, एक हेलो बोलना। हेलो, बट हेलो, आप ये क्या कर रहे हैं मम्मी? हाँ देखो, आवाज़ सुनी है आपने? नहीं, वो कह रही है, क्या कह रही है? वो कह रही है कि आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं आपके बारे में इन्फॉर्म कर रहा हूँ मम्मी को कि मैं पहुँच गया हूँ आपके पास। ऐसी कॉन्वर्सेशन कब हुई? हाँ मम्मी, नहीं वो नाराज़ नहीं है। अरे मैं ठीक ठाक बन के गया हूँ उसके पास में। कैसा लग रहा हूँ मैं आपको? आप ठीक लग रहे हो, पर हाँ देखो मैं ठीक लग रहा हूँ। गुस्सा नहीं कर रही है, वो खुश है। मुझे बता तो दो कि क्या हो रहा है ये। मम्मी वो कान तक ही आ रही है बिल्कुल। सच में आप कितने अच्छे हो, आपको पता है कि मुझे कैसा इंसान चाहिए था अपनी ज़िंदगी में। उससे बात करूँ अभी? आपसे बात करूँ फिर? नहीं नहीं, मैं उससे बात कर लूँ। मम्मी से बात करो, पर आप ये तो बताओ कि क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है। हाँ ठीक है मम्मी, मैं बात करता हूँ। बाय बोलना। बाय। हेलो, अच्छा आपको ही बोलना था? नहीं नहीं, आप बाद में बात करना। आपने सुन ली ना आवाज़, बहुत प्यारी है उसकी। ठीक है मैं करता हूँ। क्या क्या है? क्या है? हाँ एक बार देख तो लूँ यार। क्यों देख रहे हो यार? मैं देख रहा हूँ कि मतलब मिल रहे हैं मम्मी को, क्या बोल रहे हो तुम अपने? यार मैं एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि मेरे सपनों की रानी कितनी खूबसूरत लग रही है। नहीं यार, एक्चुअली हमारा ना रिश्ता फिक्स हो गया, आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं एक्चुअली मेरी मम्मी ने आपके घर पे बात की है। मुझे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ किससे मिलने आए हो? मैं तो बस रैंडम यहाँ पे बस आई थी यार। एक्चुअली अभी अभी मेरी मम्मी ने बोला, मैंने कहा मुझे फोटो भेज दो, तो फोटो तो ब्लर सी आ रही थी। फिर उन्होंने बोला कि वो पिंक ड्रेस में पार्क में अवेलेबल होगी, तू वहाँ पे जा, वहीं पे खड़ी हुई है पेड़ के पास में। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता, मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। आपके पेरेंट्स ने नहीं बताया? यार हो सकता है उन्होंने आपको इसी बहाने से भेज दिया हो यहाँ पे, आप कुछ भी सोच के कोई प्लान करके। उन्होंने नहीं बताया तो शायद रब ने कोई प्लान कर रखा होगा ना हमारे लिए। ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है। आप किसी से मिलने आए हो क्या, मुझे ये बताओ? नहीं मैं किसी से मिलने नहीं आई, बस रैंडम आ गई हूँ। यार देखो अगर पता है, अगर आप वो लड़की नहीं हुई ना जिसको, मतलब देखो अभी ना आपको देखते ही मुझे आपसे प्यार हो गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे ना यही वाली बहू चाहिए। नहीं सीरियसली यार मैं खुश हूँ, मैंने यही तो बोला मम्मी को, मम्मी आके आपकी पसंद बहुत अच्छी है। और उसमें वो ब्लर ब्लर सी थी, और उन्होंने ही मुझे बताया लड़की पिंक में खड़ी हुई होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वह सिंगल हो आप? हाँ मैं सिंगल हूँ। तो क्या आप सिंगल भी हो? आपकी शादी की बात चल रही है क्या घर पे कहीं? थोड़ी बहुत। तो हो सकता है वो इसीलिए चल रही हो कि मेरे घर वाले और आपके घर वाले एक दूसरे को जानते हो। मेरा नाम यश है, नाम सुना है मेरा? नहीं। अरे यार कोई नहीं, हम सुनो से ये मान लो कि हमारे घर में किसी को पता ही नहीं है हमारे बारे में, ऐसे समझो। क्योंकि अब सुनो ना, अब मैं पता है क्या करूँगा, मैं अपने घर पे ना बोल दूंगा कि देखो अगर आप सच में वो वाली लड़की नहीं हुई जो मम्मी मुझे मिलवाना चाहती हैं, तो मैं उसको मना कर दूंगा कि मुझे ये नहीं चाहिए। पर ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है हम लोगों की। यार देखो मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया, मुझे पार्क में कोई और नहीं दिख रही। प्यार जो प्यार मतलब मैं, एक होता है ना कि पहली बार में ऐसा होता है कि बस मुझे यही हम सफ़र चाहिए पूरी ज़िंदगी के सफ़र में। पहली बार में हो गया यार? अगर हाँ, क्योंकि मुझे हम सफ़र चाहिए था, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं बनानी थी ना। मैं तो देखो प्रपोज भी सीधा शादी के लिए कर रहा हूँ, और पता है मम्मी ने मुझे कुछ दे के भी भेजा था कि बेटा खाली हाथ मत जाइयो जब तू बहू के पास कुछ जाए, तो मैं कुछ ले के भी आया था लिटरली। हाँ मतलब मैं यार माँ का लाडला बेटा हूँ ना। आई थी यहाँ पे और ये तो माँ का लाडला बेटा है ना, लाइफ पार्टनर वाला सीन मुझे यहाँ मिल गया। नहीं मैं वही बनाना चाहता हूँ। देखो ये ना मम्मी ने बोला था कि खाली हाथ मत जियो, मैं दोनों कलर के झुमके लेके आया था, सिल्वर भी और ये भी, कि जो तुम्हारा वो हो ना पार्टनर उसको जरूर देना। अब मुझे ये बताओ सच में आप सिंगल हो? आपके घर पे कोई बात नहीं चल रही? नहीं। आपका नाम क्या है? शिवानी नाम है? आप वर्सोवा में नहीं रहती? नहीं। आप कहाँ रहते हो? मैं जुहू में रहती हूँ। अबे यार तो मुझे लगता है आप सच में वो लड़की नहीं हो। मैं तो एक्साइटमेंट में मैंने सब कुछ बोल दिया। मैं वो हूँ ही नहीं। एक मिनट यार, मैं फोटो देखूँ क्या यार? बट मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं घर पे उसको बोलूँ। हाँ यार ये तो सच में आप नहीं, ये तो कोई और ही है, बट ये इससे तो ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे हो आप। ये देखना यार, ये तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है मुझसे भी। यार सच में आप इससे बहुत ज़्यादा प्रिटी हो। अब तुम्हें लगता है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ इसको? I don't have any words. मुझे बताओ कि मैं, तुम्हें लगता है कि मैं इसको डिजर्व करता हूँ यार?
यार ईमानदारी से बताओ, लुक मैं बुरा लग रहा हूँ? नहीं, ये मतलब ठीक है, ये अपनी जगह खूबसूरत होगी, बट आप मुझे बताओ क्या ये मैं डिजर्व करता हूँ? नहीं, आप कुछ और डिजर्व करते हो डेफिनेटली। तो मैं जो डिजर्व करता हूँ मेरे साथ में है ना, मैं भी सीरियसली। अच्छा बताओ ना, आप सच में सिंगल हो या नहीं? सीरियसली मैं सिंगल हूँ। हम बात कर सकते हैं अपने घर में अगर आप चाहो तो। मैं 40,000 रुपये सैलरी है मेरी जॉब की, और मैं सैलरी तो पूछी ही नहीं है यार। नहीं मैं बताता हूँ, और ये प्राइस पता कितने की है, कितने की होगी? नो आइडिया। एक बार गैस। नहीं ये ओरिजिनल नहीं है, नकली है। अब नकली के अकॉर्डिंग कितना, दिल मेरा असली है, उन्होंने कहा था खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फिर भी कितने की होगी गैस करो? 50 रुपीज़ 10 रुपीज़ की है, ये भी 10 की और ये भी 10 रुपए की, बट दिल बहुत बड़ा है। मैंने कहा खाली हाथ नहीं जाना चाहिए पहली बार, कुछ ना कुछ लेके जाना, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। गलत इंसान से मिल गए, बट नहीं डेस्टिनी मिलना था उससे नहीं मिले। देखो डेस्टिनी ने हमें मिलाया है तो कुछ स्पेशल होगा लाइफ में, इसीलिए मिला। अब मैंने तुम्हें फोटो दिखाई जो घर वाले देख रहे हैं, वो तो मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे उसे देख के ही लग रहा है। पहले ब्लर थी, अब क्लियर हो गई है, और मेरी आंखों के आगे जो धुंधला बनता ना वो भी क्लियर हो गया तुम्हें देखने के बाद, कि मुझे यही वाली बहू चाहिए। आप मुझे बताओ, टाइम ले लो थोड़ा मुझे जानने का समझने का, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो? सोच सकती हूँ। सोच सकते हो, एज अ फ्रेंड भी स्टार्ट कर सकते हो, पता है? सोच सकती हूँ, आई कैन थिंक अबाउट इट। ओह नाइस यार, तो बट ये चीज़ तो एक्सेप्ट कर सकती हो ना? अभी नहीं। एक ले लो दो में से, एक सुनो सुनो, एक ले लो एक बार, और के लिए लाए थे आप, वो तो कहीं और जाएगी ना। सुनो सुनो, एक अगर हमारी बॉन्ड अच्छी रही तो दूसरी भी ले लेना, वरना एक आप ले लो, ठीक है, एज अ फ्रेंड। ठीक है अभी के लिए, लाइक वी आर स्टार्टिंग। हाँ सो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ना, तो ये आप एक ले लो, 10 रुपए की तो है, कोई बुरी चीज़ थोड़ी ना है यार, फीलिंग इज इम्पॉर्टेंट ना। ठीक है आप सो देखो, 10 रुपए की ये चीज़ मैंने आपको दी, तो बाहर ना कॉफ़ी शॉप भी अच्छी, तो आप मुझे कॉफ़ी पिला देना बदले में, क्या हो गया? गुड आइडिया है ना, बराबर हो जाएगा और बॉन्ड भी अच्छी हो जाएगी। एंड व्हाट आई एम थिंकिंग, मैं एक पिक क्लिक कर दूँ ताकि मम्मी को भेज दूँ, मुझे ना टाइम पास नहीं करना आपसे। चलो ठीक है, ओके, इतना सीरियस हो आप तो व्हाई नॉट। नहीं यार देखो जानना मैं तो चाहिए, घूमने आई थी एंड हम कुंडली मिला लेंगे ना, क्या हो गया? कुंडली मिला लेंगे और क्या, मैं ऐसे क्लिक कर लेता हूँ। ये तो मैं एक पिक भेज दूंगा मम्मी को, ठीक है। एंड कैन आई गेट योर नंबर आल्सो प्लीज़ यार, प्लीज़ मुझे आगे बात करनी। देखो जहाँ तक चलता रहेगा चलाएंगे, मिलेंगे बैठेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे। नंबर सुनो सुनो, फैमिली का टाइम खराब नहीं करेंगे ना, आपकी ना मेरी। चलो ठीक है है ना, इसलिए अगर घर वाले राजी तो हम भी एक दूसरे के लिए राजी। फिर आरती और आरती, तुम पैसे वाली लग रही हो, तुम्हारे पास आईफोन है। तो यार चले क्या फिर बाहर बैठ के बात करें? चलिए मैं आपको कॉफी पिला देती हूँ। हाँ बराबर हो जाएगा, सो इक्वल। हाँ बराबर हो जाएगा यार, मैं फिदा हो गया तुम पे। अरे प्लीज, मतलब आपकी आंखों में ना जादू सा है, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। आपने देखा मैंने एक पल भी इधर उधर नहीं देखा, सिर्फ तुम्हारी आंखों में ही देखा। कुछ कुछ हो रहा है मुझे, मैं दुआ करूंगा कि हमारी बॉन्ड अच्छी बने और घर वाले मान जाएं, क्योंकि आजकल ना टाइम चल रहा है, लोग एक दूसरे का टाइम बहुत खराब करते हैं, जीएफ बीएफ बन के, तो मैं वो सब में ना यकीन नहीं रखता। मैं भी नहीं रखती हूं एक्चुअली, बट कभी कभी ना किसी को रिजेक्ट करना अच्छा होता है, जैसे आज मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया तो मुझे आप मिले हो। वो तो कोइंसिडेंस हो गया ना, मैं भी बस ऐसी आई थी। अब तुमने देखा कि उसने पिंक ड्रेस ही पहन रखी है यार, अगर मैं उससे मिल जाता तो मेरा भविष्य खराब हो जाता। पता कितनी मम्मी कह रही थी एक बार मिल ले अच्छा वो मुझे नहीं मिली, मैंने एक फोटो भेजी थी अपनी, उसको ऐसी आंखें थी मेरी उसमें। सीरियसली कैन वी गो देयर, वहाँ चल के बातें करें। थैंक यू सो मच, ये मैं ले लूँ क्या यार? कुछ होल्ड करना है तो बता दो, वैसे मैं तुम्हें जिंदगी भर होल्ड करूँगा। थैंक यू। पता मैं क्या सोच रहा था, जब आप मुझसे नेक्स्ट टाइम मिलने आओ ना, तब आप इसे पहन के आना। श्योर, आपने इतने प्यार से जुड़ दिया है। और पता है मैं सोच रहा था अगर मम्मी नहीं भी मानी ना तो मैं तुम्हें लेके भागने के लिए तैयार हूँ। सो फनी यू आर, सच में मुझे यही वाली चाहिए यार, मैं चाहता ही नहीं कहीं और जाऊँ, मेरी दुनिया तुम पे खत्म हो गई है अब। गॉड सीरियसली, वेल कॉफी कौन सी पसंद है तुम्हें? मुझे हॉट एंड कोल्ड दोनों पसंद है, पर आज हॉट, बिकॉज़ वी आर ऑन डेट। यस, हॉट थिंग्स आर स्पेशल समटाइम्स, आई कैन से।